हाय फ्रेंड्स, मैं नवीन कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरी पिछली सीरीज़ अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको बायर फाइंडिंग का एक नया तरीका आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। मेरी ये एजुकेशन बिल्कुल फ्री है दोस्तों, इसका कोई चार्ज नहीं है। मेरा सिर्फ एक लक्ष्य ये है कि व्यापार बढ़े, देश में फोरेक्स आए, विदेशी करेंसी का भंडार बढ़े, रोज़गार बढ़े, हर कोई भाई बहन तरक्की के रास्ते पर चले। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। हमें एक्सपोर्ट में बायर जो मिलेगा वो हमें एक तरीका एम्बेसी, जी हाँ, जहाँ राजदूत होते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने ये बोला हुआ है, जहाँ पे भी फॉरेन में हमारा व्यापार होता है वहाँ पे हमारे राजदूत बैठे होते हैं, एम्बेसीज होती हैं, कि आप वहाँ का डाटा कलेक्ट करिए, कहाँ से क्या आया, क्या नहीं आया, कौन बंदा क्या ख़रीदता है। तो उनके पास में एक डेटा रहता है, हमको एक एम्बेसी को, जो हमारी रेस्पेक्टिव एजेंसी होगी वहाँ पर, उसको एक छोटा सा मेल डाल के ये पूछना है कि सर, मैं अपना ये प्रोडक्ट है और इसमें डील करता हूँ, मैं इसका मैन्युफैक्चरर हूँ या मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ, इसके लिए आप मेरे को जो है बायर की लिस्ट प्रोवाइड करा दीजिए। अब प्रोडक्ट लिख दिया आपने, मान लीजिए खाली, तो उनको कैसे पता चलेगा प्रोडक्ट तो उस नाम के? तो एक सिंपल सा HSN कोड आप उसमें मेंशन करेंगे कि इस HSN कोड का मुझे आप डिटेल दे दीजिए, वहाँ से आपको वो डिटेल मिल जाएगी। HSN कोड का ये फ़ायदा होता है कि मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ कि कॉलेज के दिनों में हमारा एक दोस्त था जिसको हम मलिक बोलते थे। शुरुआती दिन थे, सब हंसी मजाक करते थे, हम उसको मलिक 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 करते रहते थे, कभी ये ध्यान नहीं दिया कि मलिक इसका सरनेम है, इसका नाम नहीं है। एक दिन उसके घर पे फ़ोन किया तो उसके फादर ने फ़ोन उठाया तो उन्होंने पूछा किससे बात करनी है, तो मैंने बोला कि मलिक से बात करवा दो। एकदम बोलते के साथ मेरे को दिमाग में आया, स्टक किया कि भाई मलिक तो इनके घर में सभी हैं, तो वो भी हंसे बहुत तेज, कह रहे भैया यहाँ तो सारे मलिक हैं, आपको किस मलिक से बात करनी है। फिर मैंने उनको डिस्क्रिप्शन दिया कि जी सर, जो हमारे साथ में कॉलेज में पढ़ते हैं उसको अपने कॉलेज का नाम बताया। तो इसी तरीके से HSN कोड भी काम करता है। उनको क्या पता चलेगा आप प्रोडक्ट तो कोई खाट बोल रहा है, कोई चारपाई बोल रहा है, कुछ और बोल रहा है, कोई बेड बोल रहा है, उनको क्या पता चलेगा। तो आप अपने प्रोडक्ट का HSN कोड उनको मेंशन करेंगे और सीधे ही सबसे ऊपर वाले अधिकारी को नहीं डालेंगे। आप नीचे उसमें बहुत सारी डिटेल दी हुई होती है, अगर किसी दोस्त को नहीं समझ में आएगा कैसे एड्रेस निकालते हैं, कैसे मेल का मेटर क्या होना चाहिए, छोटा समझ में आने वाला मेल होना चाहिए। वो आपको ऐसा नहीं है कि आपने अभी मेल डाला और आपको दो मिनट बाद ही रिप्लाई दे देगा, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना है। अगर कोई रिप्लाई नहीं आता तो दूसरे बंदे को डालनी है, फॉलोअप करते रहना है। इसी तरीके से फॉलोअप वाली बात हमें, मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना आपको, एक्सपोर्ट में हमने डेटा ले लिया, अभी उसको मेल डालनी है, सिंपल मेल डालनी है, क्या क्या अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है, अपने बारे में बताना है। अभी मान लो कोई बंदा, अभी किसी ने कंटेनर मंगाया है तो वो बिकने में तो टाइम लगेगा ना, आपकी नॉलेज उसके, उसका, आपका नाम उसकी नॉलेज में आ गया, अब वो दिमाग में बिठाएगा तो आपसे अगर उसको पसंद आएगा तो सैंपल भी मंगाएगा। सैंपलिंग के बारे में भी मैंने आपको एक वीडियो में ये बताया था कि अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं तो 3 सैंपल लीजिए। 3 इसलिए, एक आप एक्सपोर्ट में सैंपलिंग में भेज देंगे, दूसरा आप अपने पास रखेंगे कि आपको पता रहे कि आपने कहाँ क्या भेजा है, और उसका ये भी फ़ायदा है कि आप अपने वेंडर को वो दिखा के सेम उससे बना सकें, इसलिए मैंने 3 बोला था। और मैन्युफैक्चरर को 2 चाहिए। अभी मैन्युफैक्चरर के दिमाग में क्या रहता है कि मेरे को तो सब चीज़ पता है, मैं तो बहुत ध्यान, मैं तो दिन रात इस काम में हूँ। तो दोस्तों, जब हम ज़्यादा सैंपलिंग करेंगे या किसी को सैंपल भेजेंगे या किसी का 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद रिप्लाई आएगा तो दिमाग से निकल जाता है कि हमने उसको क्या दिया था, और उस कन्फ्यूजन की स्थिति में आप क्या अपने बायर से पूछेंगे कि भैया मैंने आपको क्या सैंपल दिया था, नहीं पूछेंगे ना आप, फिर तो दिक्कत हो गई ना। अब आप हल्का माल दे दोगे तो वो रिजेक्ट कर देगा, पार्टी टूट जाएगी। ज़्यादा महंगा दे देंगे गुड्स आपको, तो महंगा तो देंगे नहीं, सीधी सी बात है, अपना प्रॉफिट नहीं कम करेंगे। तो इसलिए एक सैंपल आपको हमेशा अपने पास में भी रखना है, उस पर उसका स्टिकर बना के या मार्कर से लिख लेंगे कि हमने इस डेट को ये इस पार्टी को दिया था, और उसके साथ उसकी कोटेशन को भी एक नंबर दे के उस नंबर की आप डिटेल अपने पास में लैपटॉप में सेव कर लेंगे, सारी डिटेल की आपने उसमें क्या कह दी थी। जब आप मेल डालेंगे पार्टी को कि हमने आपको सैंपल दिया है, तो वो सैंपल नंबर आप उसमें डाल देंगे और उसमें डिस्क्रिप्शन सारा होगा, तो आप वहाँ से खोल के भी ये चीज़ देख सकते हैं, इससे गलती लगने के चांस नहीं होते। दोस्तों, मेरा जो काम है एक्सपोर्ट, ये नहीं है कि कोई नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं,
पर मैं आपको सिस्टम बताऊंगा, जहाँ पे मेरे को कभी नुकसान लग गया, मैं नहीं चाहता कि किसी और को नुकसान लगे, किसी और से को नुकसान लगाए वो भी मैं क्यों चाहूँगा। मैं तो ये चाहूँगा ना कि मेरे से, मेरी जो वीडियो देख के समझ रहा है, पढ़ रहा है, उसको मैं एक एक टॉपिक, एक एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ बताऊँ। अगर आप मेरे को कमेंट्स में ये चीज़ डालेंगे कि सर ये आप हमको बता दीजिए, भैया हमको ये बता दीजिए, तो मैं उस टॉपिक पर भी आपको वीडियो बनाऊँगा। अभी ये एक एक चीज़ क्लियर कर दूँगा। तो अब आपको मैंने एक ये तरीका एम्बेसी वाला बताया। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर ज़्यादा ही अच्छा लगा है तो लाइक भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अगली वीडियो में आपको एक नया तरीका बायर फाइंडिंग का, उसके साथ में मिलूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।